तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं टाइलर और मार्गो को जो कि तैयार होकर डेक पर खड़े हुए थे, क्योंकि टाइलर ने एक आइलैंड के एक बहुत बड़े होटल में डाइनिंग बुक करी थी जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा था, यानी कि $1,250 पर पर्सन जो कि करीबन 1,00,000 इंडियन रुपीज होते हैं। और वहां पर एक बार में बहुत ही कम लोग जा सकते थे क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा थी। वहां पर मोस्टली अमीर या फिर फेमस या फिर बहुत बड़े सेलिब्रिटीज ही हुआ करते। अब अभी एक बोट आती है और उस पर बैठकर सभी लोग उस होटल या फिर ये कहें कि रेस्टोरेंट के आइलैंड पर निकल जाते हैं, जहां पर उनका वेलकम करती है एल्सा नाम की एक लेडी। और यहां पर वो टाइलर को भी ग्रीट करती है जिसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड आई थी, यानी कि मार्गो। बट हुआ ये था कि इससे पहले उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड यहां पर आने वाली थी, लेकिन उसका एंड मोमेंट पर ब्रेकअप हो गया था जिसकी वजह से उसे मार्गो के साथ यहाँ पर आना पड़ा। अब कुछ ही देर के बाद में एल्सा सभी को आइलैंड दिखाती है जहाँ पर शेफ और उनके लोग एक्सक्लूसिव चीजें उगाते थे, उन्हें यहीं प्रिपेयर किया करते, इवन एनिमल्स भी वो यहीं पर पाला करते थे और उन्हें यहीं पर स्लॉटर किया करते, जो कि काफी परफेक्शन से काम किया जाता था। एल्सा उन सबको अपना और शेफ के बाकी हेल्पिंग हैंड्स का रूम दिखाती है जहाँ पर वो सिर्फ सोने आते हैं और बाकी टाइम वो शेफ के साथ सुबह से ही लगकर काम करते रहते हैं। और शेफ का कॉटेज अलग ही है जहाँ पर वो अकेले रहते हैं। अब सभी लोग अपने डाइनिंग पर जाते हैं यानी कि खाना खाने के लिए, जहाँ पर उनके लिए फूड प्रेपरेशन चालू हो गई थी। और टाइलर यहाँ पर एक बहुत बड़ा फूड एंथुसियास्टिक पर्सन होता है, साथ ही साथ वो काफी ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक और सोशल मीडिया कॉन्शियस है और हमेशा फूड पिक्चर्स अपलोड करके अपनी कुकिंग की बातें शेयर करता रहता है और ये सब। और वो यहाँ के स्टार शेफ स्लोविक का बहुत बड़ा फैन भी है, जो कि वर्ल्ड वाइड भी अपने कुकिंग एलिगेंस और कुकिंग आर्ट को लेकर बहुत फेमस है, लाइक अ सेलिब्रिटी शेफ। अब स्लोविक खुद वहां पर आता है जो कि फूड प्रेपरेशंस को चेक करने लगता है और एल्सा उसे जाकर कुछ बताती है, जिसके बाद वो कुछ टाइम टाइलर और मार्गो को बड़े गौर से देख रहा था। स्टार्टर सर्व होता है और सब लोग उसे एंजॉय करते हैं और यहां पर बहुत सारे लोग आए थे जिनके बारे में थोड़ा बहुत हम आगे जान लेंगे। अब यहां पर टाइलर मार्गो को अपने फूड और कुकिंग के पैशन के बारे में सब कुछ बताता है। वो बोलता है कि वो कुकिंग को काफी फॉलो करता है और स्लोविक के कुकिंग शो को उसने बार बार देखा है। वो उसके फूड और कुकिंग को एक्सप्लेन करने के तरीके का बहुत बड़ा फैन है और यहाँ पर हम टाइलर के ऑब्सेशन को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। इवन मार्गो से ये बोलती है कि वो जितना इस फूड के अंदर इन्वॉल्व होता है वो उतना नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए ये खाना है जबकि टाइलर के लिए आर्ट है। हालांकि यहाँ पर आए सभी लोगों के लिए ये एक आर्ट ही थी और वो काइंड ऑफ एग्जीबिशन में आए हैं एंजॉयमेंट के लिए, ना कि सिर्फ खाने के लिए। अब कुछ ही देर के बाद में शेफ सबको ग्रीट करता है और द मेन्यू के अकॉर्डिंग उनका पहला कोर्स प्रेजेंट किया जाता है, जिसे बहुत ही परफेक्शन से प्रिपेयर किया गया था और उसके बारे में, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में और हिस्ट्री के बारे में वो सबको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं और फिर वो फूड सबको सर्व किया जाता है, जो कि एक पत्थर के आसपास सजाए हुए इस आइलैंड के फ्लावर्स थे। और यहाँ पर आए हुए सभी लोग इसको बहुत बढ़िया फूड आर्ट बोलते हैं, जबकि किसी आम इंसान के नजरों में खाली हुए एक पत्थर और कुछ फूल पत्ती थी। शेफ यहाँ पर सबको बोलता है कि वो लोग इस फूड को खाएं नहीं बल्कि इसका टेस्ट लें, इसे फील करें, इसको रेस्पेक्ट दें। अब इसी बीच टाइलर मार्गो को फूड के बारे में बताने लगता है और शेफ उसको शांत कराकर अपनी बात जारी करता है और बात खत्म होने के बाद में सभी लोग फूड खाने लगते हैं, लेकिन टाइलर शेफ और उसके मुंह से फूड डिस्क्रिप्शन और बाकी चीजें सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था और वो मार्गो से पूछता है कि कहीं शेफ उससे नाराज तो नहीं है, जिस पर वो बोलती है कि वो एक कस्टमर है जो यहाँ पर पैसे दे रहा है शेफ को और शेफ उसको सर्व कर रहे हैं तो उसे उससे क्या मतलब। बट टाइलर थोड़ा ज्यादा ही इन चीजों को, फूड को और शेफ को सीरियसली ले रहा था क्योंकि वो उनका बहुत बड़ा फैन था, फूड क्रिटिक था। यहाँ पर अब एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी फूड क्रिटिक भी आई हुई थी और वो भी इस फूड की तारीफ करती है, जिसके बारे में अपने हस्बैंड से वो बात करती है, छोटी छोटी बारीकियों के बारे में डिस्कशन करती है कि ये अच्छा है, ये ऊपर है, ये ऐसा होना चाहिए था या फिर वैसा एंड ऑल। अब सेकंड कोर्स की तैयारी चालू होती है और हम शेफ को देखते हैं जो कि बार बार मार्गो को ही देख रहा था और ऐसा क्यों है ये हम थोड़ी देर में जान पाएंगे। अब इस मेन्यू से सेकंड कोर्स सर्व किया जाता है, जिसके बारे में शेफ पहले थोड़ी बहुत डिस्कशन करता है कि ब्रेड कब इजाद करी गई थी, उसका हाउस होल्ड में क्या काम है और ये बहुत चीज है। उसकी एक बात ये थी कि ब्रेड गरीब लोग खाते हैं तो उनके अगले कोर्स में ब्रेड ही नहीं है और ये कोर्स है ब्रेडलेस ब्रेड एकॉम्पनीमेंट्स। अब डिश को सर्व किया जाता है और यूजुअली टाइलर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाता है और वो बिना ब्रेड के इन सारी चीजों को एंजॉय करता है। साथ ही साथ फूड क्रिटिक ब्लूम भी इसको एंजॉय करती है, उसके बारे में बात करती है, वो बोलती है ये कितने बारीक है और ये सारी चीजें बहुत पसंद आती हैं उसको, जिसके बारे में वो शेफ से बोलती है और शेफ
उनके लिए एक बोल भर कर एकम्पनीमेंट भेज देता है अपनी तरफ से। सभी लोग इस डिश को एंजॉय कर रहे थे जो कि डिश के नाम पर कुछ एकम्पनीमेंट ही थे, यानी कि ब्रेड के साथ खाई जाने वाली कुछ चीजें। और यहाँ पर एक फ्रेंड्स ग्रुप भी आया हुआ था और वो लोग एल्सा से बोलते हैं कि उन्हें ब्रेड सर्व की जाए, लेकिन वो ब्रेड देने से मना कर देती है क्योंकि मेन्यू का पार्ट सिर्फ यही डिश थी। इस पर वो लोग उसे बोलते हैं कि वो लोग एक बहुत बड़े आदमी डग वेरिक के साथ काम करते हैं, जिस पर वो बोलती है कि वो उन्हें और उनके बॉस को जानती है, वो भी बहुत अच्छे से। साथ ही साथ वो उनसे ये भी बोलती है कि उन्हें डिजायर से कम और डिजर्व से ज्यादा खाने को आज मिलेगा। मतलब यहाँ पर चीजें ना बहुत ही वियर्ड होती जा रही थी और आगे चल के तो और भी खतरनाक होने वाली हैं। अब हम मार्गो को तो अभी तक समझ ही चुके हैं कि वो फूड के इस दिखावे और शोशा में यकीन नहीं करती। वो इस डिश को नहीं खाती और शेफ उसके पास आकर बोलता है कि उसे ये डिश खानी चाहिए, जिस पर वो साफ साफ बोलती है कि यहाँ पर खाने वाली चीजें हैं ही नहीं, और वो उसको ना बताए कि उसको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। ये पूरी तरह से उसकी चॉइस है और शेफ वहां से चला जाता है, जिस पर टायलर मार्गो पर बहुत गुस्सा हो जाता है कि उसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अब नेक्स्ट कोर्स सर्व किया जाता है जो कि होता है टाकोस, और इसका नाम शेफ ने मेमोरी रखा था। साथ ही साथ वो इसका भी एक डिस्क्रिप्शन देता है और वो बताता है अपनी मदर के बारे में जो कि वहीं पर बैठी हुई थी और हमेशा ड्रंक की राह करती। वो बोलता है कि बचपन में उसे टाकोस बहुत पसंद थे। ट्यूसडे के दिन वो लोग टाको खाया करते, लेकिन उसके फादर एक अल्कोहलिक और ड्रंक पर्सन थे जो कि हमेशा नशा करके उसकी मदर को मारा पीटा करते थे। और एक दिन ऐसे ही झगड़े में उसने अपने फादर से मदर को बचाने के लिए उनके पैर में स्टैब कर दिया, और उसकी टाकोस से ये सारी यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसका नाम उसने मेमोरी रखा है। अब सभी को टाको सर्व होते हैं और यहाँ पर जो टॉर्टिया सर्व की जा रही थी उसके ऊपर असल में लेजर से प्रिंटिंग करी गई थी, और उस पर थे वहाँ पर आए हुए गेस्ट के पास्ट, उनकी वर्स्ट मेमोरीज। जैसे कि वहाँ पर एक एक्टर आया हुआ था तो उन्होंने उसकी सबसे बुरी मूवी का वहाँ पर प्रिंट किया था। टायलर जो कि हमेशा फूड की फोटोज लेता रहता, वहाँ पर उसकी ही पेंटिंग। ब्लूम की रिव्यू किए हुए रेस्टोरेंट की पेंटिंग। अब यहाँ पर एक आदमी आया हुआ था जहाँ पर उसकी किसी और लड़की के साथ पेंटिंग वहाँ पर थी, तो उसकी वाइफ उससे सवाल जवाब करती है, लेकिन वो ये बोलता है कि ये झूठ है, कोई प्रैंक या फिर मजाक होगा। और डक के आदमियों के फेक इनवॉइसेस की पेंटिंग भी थी जिससे वो पैसे चुराते थे। अब वो लोग ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि इतना बड़ा राज यहाँ के शेफ को कैसे पता था, और इसके लिए वो जेल भी जा सकते थे। यानी कि यहाँ के शेफ ने इन सब के बारे में काफी अच्छे से रिसर्च करी है। अब टायलर मार्गो से बोलता है कि शायद शेफ उससे नाराज हो गए हैं और वो उससे माफी मांगेगा, जिस पर वो बोलती है कि अब वो ओवर रिएक्ट कर रहा है और उसे चिल करना चाहिए, जिस पर उनकी हल्की सी बहस हो जाती है और मार्गो गुस्से में उठकर वहां से चली जाती है। वो अब कॉरिडोर में आती है और उसे एक सिल्वर डोर मिलता है जिसे वो देखने लगती है। तभी वहां पर एल्सा आकर उसको कहती है कि वो अभी कहीं पर भी नहीं जा सकती, और मार्गो तभी वॉशरूम चली जाती है। और आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि मार्गो के लिए यहां पर कोई भी पेंटिंग नहीं थी, जिसका रीजन हम थोड़ी देर में जान पाएंगे। अब तभी वो वहां पर स्मोक करने लगती है कि तभी लेडीज वॉशरूम के अंदर शेफ स्लोविक आ जाता है और वो उससे पूछता है कि उसने उसकी डिशेस को खाया नहीं तो ऐसा क्यों, और वो उसे पसंद क्यों नहीं आई, और उसे ये देखकर काफी बुरा लगता है, जिस पर वो बोलती है कि उसे भूख नहीं है और उसका मन नहीं है खाने का। अब शेफ उससे उसका नाम पूछता है और वो अपना नाम बताती है, लेकिन वो बोलता है कि वो झूठ बोल रही है और उसका नाम मार्गो है ही नहीं, जिससे कि वो थोड़ी सी परेशान होती है और वहां से चली जाती है। यानी कि यहां पर ढेर सारे ऐसे राज हैं और असली पत्ते हैं जो कि थोड़ी देर में खुलने वाले हैं। खैर, अब अगले कोर्स की तैयारी शुरू होती है जिसके बारे में शेफ ब्रीफिंग देने लगता है, और अब वो अपने एक जूनियर शेफ जेरेमी को बुलाता है और उसके बारे में लोगों को बताता है कि जेरेमी ने उसके साथ काम करने के लिए बहुत मेहनत करी है, वो बहुत अच्छा है अपने काम में लेकिन ग्रेट नहीं है। वो उससे पूछता है कि क्या वो उसकी लाइफ से खुश है, जिस पर वो मना कर देता है, और शेफ उससे ये कहता है कि क्या वो शेफ की जैसी लाइफ जीना चाहता है, जिस पर वो साफ मना कर देता है। अब शेफ आगे बोलते हैं कि उन लोगों को ऐसे लोगों के लिए जिनको ना वो जानते हैं ना शायद कभी दोबारा मिले कुकिंग करनी पड़ती है, उन्हें प्लीज करना होता है, ऐसा खाना तैयार करना होता है जो कि कस्टमर्स को क्रिटिक्स को पसंद आए, और इस प्रोसेस में क्रिएट होता है मेस उनकी लाइफ में, बॉडी पर, सोच में, और यही नेक्स्ट कोर्स का नाम है जिसे जेरेमी ने क्रिएट किया है। और अब जेरेमी एक गन निकालता है और खुद को शूट कर लेता है, जी हाँ, जिससे वहां पर बैठे हुए लोगों के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन टायलर अभी भी नॉर्मल ही था और शेफ भी सबको बोलता है कि ये मेन्यू का ही पार्ट है, इस शो का एक पार्ट है, जिस पर तो आधे लोगों को ये लगने लगता है कि ये कोई लाइव परफॉर्मेंस स्टंट था, वहीं पर कुछ लोगों को ये सब रियल लग रहा था क्योंकि सामने तो एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। और मैंने बोला था ना, ये मूवी
मूवी अभी आगे चलकर बहुत क्रेजी होती चली जाएगी। अब एक कपल वहां से जाने लगता है और एल्सा उन्हें जाने से रोकती है और शेफ के इशारे पर वर्कर्स हस्बैंड की एक फिंगर कट कर देते हैं, जिससे अब पूरा माहौल हॉन्टेड हो जाता है क्योंकि वो लोग तो कस्टमर थे और ये कोई एक्ट नहीं हो सकता था, लेकिन ब्लूम और उसके पार्टनर को ये अभी भी एक्ट लग रहा था। अब शेफ मार्गो को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि वो कौन है, जिस पर वो कहती है कि वो मार्गो है, जिस पर शेफ बोलता है कि उसने बहुत सी मार्गो को सर्व किया है और वो मार्गो नहीं है। और ये मैटर करता है कि वो कौन है क्योंकि ये गेस्ट लिस्ट यहाँ पर आए हुए लोग एक बारीक प्लान का हिस्सा है और वो उस प्लान की थी ही नहीं जिससे वो यहाँ की चीजें रूइन कर रही है। और वो उसको एक चॉइस देता है कि वो फैसला कर ले कि वो कस्टमर साइड में रहेगी या फिर स्टाफ की साइड में, और इससे वो बचेगी नहीं क्योंकि आज रात सब मरने वाले हैं। जी हाँ, सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं ये सुनकर, और मार्गो तो ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और शेफ उसे सोचने का कुछ टाइम देता है और वो अपने टेबल पर जाकर बैठ जाती है। साथ ही साथ टाइलर को एक तेज स्लैप मारती है जिसे यहाँ पर हो रही किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो अपने फूड में इतना ज्यादा मगन हो गया था। अब शेफ सभी को टी सर्व करवाता है और सब लोग उससे डर रहे थे, जिसका उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अब एक आदमी यहाँ से विंडोज के जरिए भागने की कोशिश करता है लेकिन विंडो ही नहीं टूटती, वहीं दूसरे आदमी को गार्ड्स नहीं भागने देते। अब शेफ सबसे बात करने लगता है जहाँ पर वो ब्लूम और उसके पार्टनर से काफी चिढ़ा हुआ था और उनको किसी चीज का कसूरवार बता रहा था। अब वो एक ओल्ड कपल के पास में जाता है जिसमें हस्बैंड की कुछ टाइम पहले ही फिंगर कट करी गई थी और वो उनसे पूछता है कि वो लोग यहाँ पर 5 सालों से आ रहे हैं, 11 बार लगभग आ चुके हैं, तो वो उसकी किसी भी एक डिश का नाम बताए, लेकिन वो लोग एक भी डिश का नाम नहीं बता पाते। इवन कौन सा मीट वहाँ पर इस्तेमाल हुआ था उनको वो तक नहीं पता था। अब वो डग के आदमियों की बात करता है जो कि उस पर चिल्ला रहे थे कि डग ने उस पर एहसान किए उसके रेस्टोरेंट में पैसे लगाकर, जिस पर वो कहता है कि एहसान ही तो कर दिया है और बाद में उसके काम में उसकी कुकिंग में टांग क्यों अड़ाई। और अब वो सबको बाहर का नजारा दिखाता है जहाँ पर डग को उसने लटकाया हुआ था और अब वो इशारा करता है जिसके साथ ही डग को सी में डुबा दिया जाता है और अब मंजर भयानक से भयानक होता जा रहा था। अब यहाँ पर शेफ ने काफी सारे लोगों से बात करी थी लेकिन हम उन बातों पर अभी नहीं आएंगे क्योंकि सभी बातों का पूरा एक मतलब हम एंड में डिस्कस कर लेंगे। अब शेफ स्लोविक अपने रूम में जाता है और उसका मार्गो को दिया हुआ टाइम पूरा हो चुका था और वो उसके पास जाती है। वो उससे उसका फैसला पूछता है लेकिन वो पहले पूछता है कि वो उस आदमी को बार बार देख रही थी जिसकी फिंगर कट हुई थी, जिस पर वो एग्री करती है कि वो उसको पहले से ही जानती है। अब शेफ को वो ये बता देती है कि वो असल में एक कॉल गर्ल है जो की सर्विसेज देती है और उसने पास्ट में उस आदमी को भी सर्विसेज दी थी और अब शेफ उसे सेम लेवल पर समझता है क्योंकि वो खुद भी लोगों को सर्विसेज देता था और यही काम मार्गो भी कर रही थी। वो उसको बताती है कि पहले कभी मार्गो ने उसको सर्विसेज दी थी और वो आदमी इतना अजीब और बुरा था कि वो उसके साथ इंटीमेट होते टाइम उसे उसकी बेटी की तरह एक्ट करने का बोल रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा ग्रोस था। अब इस बात के साथ में एक और बात यह आती है कि उस आदमी की एक बेटी पहले थी जो कि कहीं पर गायब हो गई थी और फिर कभी भी नहीं मिली, तो हो सकता है कि उसने ही अपनी बेटी को मार दिया होगा। अब अगले कोर्स के लिए शेफ सभी लोगों को बाहर लाता है और उसकी एक जूनियर शेफ कोर्स के बारे में बताने लगती है कि एक दो बार शेफ ने उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करी थी, फिर जब उसने उसे रोता हुआ देखा तो शेफ ने उसे काम से नहीं निकाला बल्कि उसे काम पर रखा, बस उसे कभी देखा नहीं और उससे बात तक नहीं करी, जैसे इससे उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, हालांकि ऐसा नहीं है। और तभी वो शेफ के प्राइवेट पार्ट के पास में स्टैप कर देती है जिसके बाद में वो दोनों हक करते हैं। मूवी बहुत ही ज्यादा वियर्ड होती जा रही है। अब वो अगले डिश का नाम बताती है मेंस फॉली, मींस मर्द की ना समझी। अब शेफ सभी मेल को ऑर्डर देता है कि उनके पास 45 सेकंड का टाइम है और वो लोग भागें, उसके बाद उनके पीछे उसके लोग भागेंगे और जो बच गया वो बच गया, अदरवाइज वो वापस नहीं आएंगे। और अब सभी मर्द अपनी वाइफ लवर्स को छोड़कर वहां से भागते हैं और जूनियर शेफ लेडीज को वापस डाइन हॉल में ले जाती है। अब हॉल के अंदर सभी लेडीज उस शेफ की डिश को टेस्ट करती हैं और उसकी तारीफ करती हैं क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था और वो शेफ इमोशनल हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर मार्गो भी सबको अपना रियल नाम बता देती है। जी हाँ, उसका रियल नेम मार्गो भी नहीं था, उसका रियल नेम एरिन होता है और वो उस आदमी को भी सच बता देती है उसके बारे में। अब तक सभी गार्ड्स ने सभी मेल को पकड़ लिया था और सभी को वापस उसी हॉल में लाया जाता है। अब शेफ टाइलर के पास में आकर उससे बात करता है और बोलता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है, जिस पर वो उसकी तारीफ करता है एंड ऑल, लेकिन शेफ यहाँ पर ये रिवील करते हैं कि उन्होंने उसे यहाँ पर आने का एक्सेस दिया था लेकिन एक बात और बताई थी कि जो भी यहाँ पर आ जाएगा वो सब मारे जाएंगे, और ये जानते हुए भी वो यहाँ पर मार्गो को लेकर आया। इवन उसके साथ कोई और ही आने वाली थी लेकिन उससे उसका ब्रेकअप हो गया और वो मार्गो को हायर करके यहाँ पर मरने के लिए लेकर आया, और ये सुनकर मार्गो यानी कि एरन को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब शेफ टाइलर को अपने साथ किचन में ले जाता है क्योंकि वो बहुत टाइम से फूड आर्ट कर
कर रहा था और फूड को अपना पैशन बता रहा था। अब शेफ उससे कोई भी मनचाही डिश प्रिपेयर करने को बोलता है और टाइलर कुछ भी डालकर कैसा भी पकाकर कुछ बनाता है जो कि बहुत ही गंदा था, जिसके बाद शेफ उससे कुछ बोलता है और अब वो एक रूम में जाकर खुद को ही हैंग कर लेता है। अब शेफ मार्गो से बोलते हैं कि उन्हें डिजर्ट बनाने हैं और उन्हें एक बैरल चाहिए जो कि मार्गो जाकर ले आए, और वो बाहर जाती है जिसका पीछा अपने आप से ही एल्सा करने लगती है। मार्गो अब बैरल को छोड़कर चुपके से शेफ के घर में आ जाती है और असल में यहीं पर डाइन होना था, लेकिन कुछ कंडीशंस की वजह से इस चीज को नए हॉल में शिफ्ट कर दिया गया, और ऐसा क्यों ये हमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब वो यहाँ वहाँ देखने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एल्सा आ जाती है जो कि उससे चिड़ी हुई थी, और वो उसे खत्म करने उस पर अटैक करती है, लेकिन इसी लड़ाई में उसकी ही जान चली जाती है। अब मार्गो यानी कि एरन यहाँ पर बने हुए एक सिल्वर डोर को देखती है जिसके अंदर वो जाती है, और ये शेफ का पर्सनल रूम था जहाँ पर उसकी फोटो, कुकिंग को स्टार्ट करने की टाइम की पिक्चर और ब्लूम का बहुत पुराना वो इंटरव्यू था जिससे शेफ फेमस हुआ था और जिस वजह से वो यहाँ पर पहुंचा था, ये वही आर्टिकल था। यहाँ पर मार्गो को एक रेडियो भी मिलता है जिससे वो कहीं पर कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करने लगती है। इधर डाइन हॉल में एक एक्टर भी आया हुआ था और शेफ उससे बात करके उसको बताता है कि वो मरेगा क्योंकि उसने एक बहुत बुरी मूवी बनाई थी जिसे वो देखने गया था और उसका संडे खराब हो गया, जिसका एहसास उस एक्टर को भी होना चाहिए। साथ ही साथ उसकी एक यंग गर्लफ्रेंड भी होती है जो उससे पैसे चुराया करती थी, और शेफ उससे पूछता है कि उस पर कोई स्टूडेंट लोन है, जिस पर वो मना करती है, और शेफ उसे बोलता है कि वो भी मरेगी क्योंकि उसने चोरी अपनी मजबूरी से नहीं बल्कि जानबूझकर की थी, यानी कि वो गोल्ड डिगर थी। अब तक मार्गो भी वापस आ गई थी और उसने असल में एक पुलिस ऑफिसर को कॉन्टेक्ट कर लिया था जो कि बोट से यहाँ तक आया था, और वो सब लोग बहुत खुश होते हैं कि वो बच जाएंगे, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि ये भी शेफ की कुकिंग टीम का ही एक आदमी था। जी हाँ, अब फाइनल कोर्स की तैयारी शुरू होती है और सब लोग जान चुके थे कि उनके पास टाइम बहुत कम बचा है, और मार्गो सब कुछ सोचकर शेफ से ये बोलती है कि वो उसके फूड से खुश नहीं है, उसे खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो अभी भी भूखी है, जिस पर शेफ शॉक्ड हो जाता है और वो उससे पूछता है कि तो उसे क्या खाना है, जिस पर वो कहती है कि वो कोई भी शोबाजी इंग्रेडिएंट्स का डिस्क्रिप्शन नहीं चाहती, उसे सिर्फ एक सिंपल चीज हैमबर्गर चाहिए और एक अच्छा पका हुआ चीज बर्गर, साथ ही साथ उसको फ्राइज भी चाहिए, और शेफ वो बनाने चला जाता है। शेफ एक चीज बर्गर बनाता है और फ्राइज बनाता है और मार्गो को सर्व करता है जिसको वो खाती है और लेफ्ट ओवर को पैक करने का बोलती है, और साथ ही साथ इस खाने की और इस बर्गर की जेन्युइनली तारीफ करती है। शेफ उसके लिए उसका बर्गर और फ्राइज पैक कर देता है और वो वहां से चली जाती है। जी हाँ, शेफ उसको जाने देता है। अब शेफ द मेन्यू का लास्ट कोर्स बताता है जो कि होता है स्मोर, और जिनको स्मोर के बारे में नहीं पता तो अमेरिका और कनाडा के अंदर कैंप फायर के वक्त ये सारी ट्रीट जो है वो करी जाती है, और अब सभी कस्टमर्स को मार्शमैलो की केप पहनाई जाती है और चॉकलेट की कैप पहनाई जाती है। सभी जगह पर लकड़ियां और एक्सप्लोसिव भी डाले जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया ना कैंप फायर में ये सब इस्तेमाल होता है। और फाइनली अब शेफ आता है, सबको ग्रीट करता है और उन एक्सप्लोसिव पर आग लगा देता है, जिसके साथ ही सभी लोग वहां पर खत्म हो जाते हैं, पूरा होटल, पूरा स्टाफ, शेफ, सारे कस्टमर्स। अब हम मार्गो को देखते हैं जो कि बीच समुद्र में बोट रोकती है और चीज बर्गर खाते हुए बहुत ही एंजॉय करती है इस नजारे को, साथ ही साथ वो उसी मेन्यू से अपना मूवी पूछती है। इसी के साथ मेरा मेन्यू मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।